हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियर पुर। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ, और वीडियो को टाइटल हमें देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लासेस। ऑलरेडी 3 क्लासेज आ चुकी है मेरे चैनल के ऊपर। तो आज हमारी 4th मॉक टेस्ट की क्लास है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और जिसने मेरी पहले 3 वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जाके जल्दी से वीडियो देख के आओ पहले, उसके बाद 4th वाला वीडियो देखना। और आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है वीडियो को 1.5x से प्ले करो आप लोग, ताकि बेस्ट आपको रिजल्ट मिले और वीडियो थोड़ी सी जल्दी खत्म हो, आपका टाइम भी सेव हो और आपको काफ़ी नॉलेज गेन करने को मिले यहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए 2 बातें शेयर कर देता हूँ अपनी। तो ये हमारा एक स्क्रीनशॉट 1 है और ये स्क्रीनशॉट 2 है हमारा, दोनों में बात करूँगा मैं अभी। जो ये फर्स्ट हमारा जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था DVD की फुल फॉर्म का, वो यहाँ पे कमेंट आया है किसी का, मंजुनाथ थदासन का कमेंट आया। तो जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं पहले, विनी वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं, जितने भी मॉक टेस्ट आते हैं मेरे, उनके अंदर एक क्वेश्चन जो रहता है वो होमवर्क रहता है आपका। होमवर्क बेसिकली क्या होता है, आपको कमेंट करना होता है हमारे वीडियो के नीचे। जिसका भी फर्स्ट कमेंट आता है उसको हम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग करते हैं। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो नहीं करा, जाके फॉलो करो उसको। प्लस जब भी आप कमेंट करो वीडियो के नीचे, जब भी कमेंट करो अपनी इंस्टाग्राम ID के साथ कमेंट करो। जैसे यहाँ पर DVD इन्होंने कमेंट करा, लेकिन इन्होंने ID कमेंट नहीं करी थी, तो इनकी मैं ID पिन नहीं कर पाया, या मतलब वहाँ पर शेयर नहीं कर पाया चैनल के ऊपर। मैंने नीचे कमेंट भी करा कि आप अपनी ID शेयर करो, बट वहाँ पर नहीं करी। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप नीचे ID के साथ कमेंट करो, ताकि हम आपका जो नाम है, सबसे फर्स्ट कमेंट जो होगा, सबसे पहला कमेंट होगा, तो उनका हम जाके वहाँ पर शेयर करेंगे, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से पढ़ने का। बाकी ये जो सेकंड वाला जो स्क्रीनशॉट है, ये एक रवि कुमार रावथू हैं, इन्होंने कमेंट करा कि प्लीज़ अपलोड नबार्ड DA कंप्यूटर बिट्स वीडियो। तो इनको कंप्यूटर की वीडियोस चाहिए थी मेरी, जो मेरी ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी हैं, इनको और वीडियोस चाहिए। हो सकता है बाकी स्टूडेंट्स को भी वीडियोस चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो लेके आ गया ये वाली एकदम से। हमारा Day 4 है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियोज़ बनाने का, तब मैं वीडियो लेके आता हूँ डेली नई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है आपका हमारा टारगेट क्या है, 40 out of 40 मेंस के एग्ज़ाम में 40 out of 40 लेके आना, मैक्स टू मैक्स 35 to 38 तो हमें लेके आना ही आने हैं। अटैम्प्ट सारे करने हैं 35 to 38 नंबर हमें लेके आने हैं नबार्ड DA कंप्यूटर नॉलेज के अंदर, क्योंकि बेसिक आपको पता है कि बेसिक लेवल रहता है कंप्यूटर का, और रेपिटेशन होते हैं और लिमिटेड सिलेबस है। GK की तरह वास्ट सिलेबस नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है और आपके रेपिटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आते हुए, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ, पर्सनल कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं एक साथ, उनको हम क्या बन जाते हैं, वो तो हमारा बन जाता है हमारा एक नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ द राउंड शाइनिंग पोर्टेबल डिस्क विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर। वो राउंड शाइनिंग पोर्टेबल डिस्क जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर हम स्टोर कर सकते हैं, इसका क्या आंसर होगा, CD-ROM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, एक अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बग। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस हमने लर्न करना है। एक बार वीडियो देख लिया आपने, आपने अपने नोट्स में इनको कॉपी कर लिया, 15 के 15 क्वेश्चन, और डेली उसको रिवाइज करते रहे, आपका पेपर 100% क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट स्टैंड फॉर, बिट किसके लिए स्टैंड होता है, BIT। अब ये आपका टाइम आ गया, ये आपका क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोगों का कमेंट करना है। और जिसका जो फर्स्ट कमेंट होगा, आपको पता ही मैंने बोला था अभी, जिसका फर्स्ट कमेंट होगा इंस्टा पे, उसका अकाउंट है, हम स्टोरी लगाएंगे, ठीक है, स्टोरी लगाएंगे। ID डालना मत भूलना, ID बिल्कुल डाल देना। BIT स्टैंड फॉर बिट, किसके लिए स्टैंड करता है, आपको जल्दी से कमेंट करना है, फर्स्ट कमेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेप ड्राइव ऑफर्स डैश एक्सेस टू डेटा, अ टेप ड्राइव, नाम याद रख लो, टेप ड्राइव ऑफर्स डैश एक्सेस टू डेटा, इसका आंसर है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस टू डेटा, ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस। अब ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं दे रहा हूँ आपको इन टॉपिक्स के ऊपर, ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चन आप लर्न करोगे ना, जितने क्वेश्चन आप नोट डाउन करोगे, जितने क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे, उतना आपका बेटर रहेगा। MCQ बेस में ऐसा ही रहता है, जितने ज़्यादा आप MCQ पढ़ोगे, उतने ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी आपके दिमाग में। नॉलेज में आपको तब गेन करनी होती है जब आपको अपना डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। मेरे हिसाब से MCQ में क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के जाने चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन एक बार पढ़े लिखे हो, मतलब पढ़े हों आपने, अगर कहीं ना कहीं एक बार भी पढ़ा होगा ना, जैसे वीडियो में पढ़ा होगा, कहीं पर PDF में पढ़ा होगा, तो आपको याद रहेगा।
नेक्स्ट है हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट, तो ये हमारा होता है 16 वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल इज कॉल्ड, कौन सा डिवाइस है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ सॉरी अ डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, हाँ नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम बिना किसी केबल के, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वायरलेस डिवाइस। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेम गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय इट्स यूजर इज कॉल्ड, जो हम यूजर हैं, हम बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं रन करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, हम फोल्डर्स बनाते हैं, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो इसको हम क्या देते हैं, इसका होता है फाइल नेम, ये होता है फाइल नेम देते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट को हम देते हैं फाइल नेम। अगला क्वेश्चन है द डेटा ऑन फ्लॉपी डिस्क आर रिकॉर्डेड इन द रिंग्स कॉल्ड, द डेटा ऑन द फ्लॉपी डिस्क आर रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, उन रिंग्स को क्या कहा जाता है, जो डेटा फ्लॉपी डिस्क पे रिकॉर्ड होता है उनकी रिंग्स को हम क्या कहते हैं, राउंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर आइदर डैश और डैश, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं या तो वो सॉफ्टवेयर है या CPU RAM है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, तो हमें लग रहा है ये होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लग नहीं रहा, मतलब इसका आंसर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर आइदर हार्डवेयर, या तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं या फिर वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कीबोर्ड इज अ डैश डिवाइस बेसिक, सबसे ईजी क्वेश्चन, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, इतना ईजी क्वेश्चन आपने इसको थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा, है ना, सॉरी आपने थर्ड या इसको फोर्थ में पढ़ा होगा, इसको इरेज नहीं करते, चलो कोई नहीं छोड़ो। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है हमारा, कीबोर्ड हमारा बताओ आप कौन सा डिवाइस है, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा गया है, इसको कहते हैं हम जॉन मैक कैर्थी को हम कहते हैं फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आपको सामने दिख ही जाएगा, CD होती है हमारी स्टोरेज डिवाइस, बिल्कुल होती है, हार्ड डिस्क होती है, बिल्कुल होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, बिल्कुल होती है, DVD में भी हम स्टोर करते हैं, लेकिन एक मॉनिटर जो हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, ये प्रॉपर ये जो कंप्यूटर की हमारी स्क्रीन है, ये हमारी मॉनिटर हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। ये तो देखो इसमें अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं भी आता, अगर जैसे मैं मॉनिटर नहीं पता हमारा आंसर है, बट इसमें तब भी हम आंसर दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है CD स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है और DVD मतलब स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है द CPU कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट्स, CPU कंप्राइज करता है किस किस का, एक तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी एंड विच यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स, माइक्रो सॉरी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, ठीक है, CPU कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। तो आज का लास्ट क्वेश्चन डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, कौन सा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क, तो ये हमारा होता है नेटवर्क सर्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, ठीक है। तो आज के 15 क्वेश्चन हो गए हैं खत्म, इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इनको एक बार, कि पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू अ कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं क्या बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। नेम ऑफ द राउंड शाइनिंग पोर्टेबल डिस्क विच कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर CD-ROM, एरर जो कंप्यूटर प्रोग्राम में आया था वो होता है बग, बिट स्टैंड फॉर, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है जो उसका भी फर्स्ट कमेंट होगा मैंने बता दिया आपको इंस्टाग्राम आईडी पे होगा, हमारी करियरपुर चैनल की इंस्टाग्राम आईडी पे आपका जो नाम है स्टोरी आपकी डलेगी बिल्कुल। अ टेप ड्राइवर ऑफर डैश एक्सेस टू डेटा सिक्वेंशियल एक्सेस टू डेटा, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बाइट, 16 वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बाइट। अ डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल इज कॉल्ड वायरलेस डिवाइस, वायरलेस डिवाइस को बिना किसी केबल नेटवर्क के कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। द नेम गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय इट्स यूजर इज कॉल्ड, जब हम यूजर हैं एनी यूजर अपने डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं फाइल नेम। द डेटा ऑन फ्लॉपी डिस्क आर रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, फ्लॉपी डिस्क में डेटा रिकॉर्ड होता है उसको रिंग्स को क्या कहते हैं हम राउंडर्स। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। अ कीबोर्ड इज डैश डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस। हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर को किसको कहा गया है, जॉन मैक कैर्थी को कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, मॉनिटर आपको पता है मैंने बता दिया, DVD हमारा स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, CD हमारा स्टोरेज डिवाइस है, मॉनिटर नहीं है। द CPU कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट्स,
अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, नेटवर्क सर्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज बनाने में, आपके लिए वीडियोज लेके आ रहे हैं, डेली वीडियोज लेके आ रहे हैं, तो आपका भी प्यार दिखना चाहिए। और इस वीडियो पे हम कम से कम 20 लाइक्स एक्सपेक्ट करते हैं, 20 लाइक्स का टारगेट है, आप जल्दी से कंप्लीट करो, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना जाना मत, वीडियो डेली आती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम होनी चाहिएगा। बाकी वीडियो को ये खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।